हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हैं शिक्षक पोर्टल पर ईकेवाईसी कैसे करें। गाइस, ईकेवाईसी करने में स्टूडेंट्स का कई सारी समस्या आ रही है, जैसे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, उनके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, और ईकेवाईसी का प्रिंट कैसे लें। इस वीडियो में आपको ईकेवाईसी का कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, और यहाँ पर आपको लिखना है शिक्षक पोर्टल। इसके बाद आपको सिंपली से सर्च कर लेना है, तो आपको इसको इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक दिखाई देगा, शिक्षा पोर्टल .mp.gov.in। आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। अब देख सकते हैं गाइस, आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा ईकेवाईसी, तो सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि आधार से लिंक हो। इसके बाद गाइस, आपको मोबाइल नंबर की पुष्टि करना है, और यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है। इसके बाद गाइस, मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करने हेतु क्लिक करें। आपको इस लिंक पर सिंपली क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं गाइस, आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा, और जो आपका मोबाइल है इस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर डालना है, और सबमिट ओटीपी इस बटन पर आपको क्लिक करना है। किसी कारणवश आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है, तो पुनः ओटीपी भेजें, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस, जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करते हो, तो आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको विद्यार्थी की जानकारी, इसमें आपको अपने 9 अंकों की समग्र आईडी डालना है। इसके बाद आपको कैप्चा भरना है, और विद्यार्थी की जानकारी देकर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद गाइस, आपके पास कुछ इस तरीके से आपकी जो डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें समग्र के अनुसार आपकी जानकारी देखी जा सकती है। तो गाइस, ईकेवाईसी करें, सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं गाइस, आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। सबसे पहले गाइस, आपको जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर भरना है, और अपने आधार नंबर की दोबारा पुष्टि करना है। अब गाइस, अगर आप ओटीपी द्वारा ईकेवाईसी करना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट जो लिंक दिखाई दे रही है, जो बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। यदि आपका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, तो उस कंडीशन में आप ईकेवाईसी थ्रू बायोमेट्रिक्स, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। तो गाइस, हमने जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर हमने क्लिक किया है। तो अब गाइस, आपको सबसे पहले जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो 6 अंकों का आधार ओटीपी, इसे डालना है, और आपको वैलिडेट ओटीपी, इस लिंक पर क्लिक करना है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जानकारी देखी जा सकती है, तो आप यहाँ पर अपनी जानकारी, अपनी डिटेल्स चेक कर लें। और गाइस, यहाँ पर फिर आपको इस तरीके से चेकबॉक्स दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ईकेवाईसी पर क्लिक करें। तो इस तरीके से गाइस, आपका ईकेवाईसी कम्प्लीट हो जाएगा, जिससे आप कंट्रोल पी से इसका प्रिंट ले सकते हैं, या गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्कूल में बता सकते हैं। तो इस तरीके से गाइस, जो आपका ईकेवाईसी का प्रोसेस है, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस।